ट्विटर्स पे बड़ी खबरें चल रही हैं कि हुकूमत शायद इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाली है ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है मैं आज आपको खबर देता हूँ मेरे पास इतला ये है कि गुजरात में इमरान खान जब पहुंचेगा तो एक बड़ा सरप्राइज होगा तस्दीक शुदा खबर है खबर यह है इक्कीस एम एन ए और बारह एम पी एकूमती ऐसे हैं निगरान वजीर आजम के हवाले से जिन चार नामों को फाइनल किया गया है जिनमें से दो फेवरेट तरीन है इमरान खान का काफिला जिस वक्त गुजरात पहुंचेगा कप्तान के पास एक पत्ता ऐसा है जो एक सरकारी हुए किसी वक्त भी कोई बड़ा इंकशाफ कर सकता है और इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले एक बड़ा अहम फैसला हो चुका होगा जाते जाते आपको एक बड़ी बहुत बड़ी खबर दे दो डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बैलाइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम मैं रानाजी सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तरशद शरीफ शहीद के दर्जात को बुलंद करें और अरशद शरीफ शहीद के कातलों को अगर दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती तो अल्लाह ताला की ताकत जरूर पकड़ेगी अल्लाह ताला की पावर अल्लाह ताला की पकड़ में ये जरूर आएगी अब बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत बड़ी गर्म हो चुकी है ट्विटर्स में बड़ी खबरें चल रही हैं कि हुकूमत शायद इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाली है ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है मैं आज आपको खबर देता हूँ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो सकती है कि इमरान खान को सादक अमीन हमने करार दिलाया कोई कहेगा इमरान खान को सबका दौर में इलेक्शन जान बूझ कर जताए गए और नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस तैयार करवाया गया और यह सब कुछ इमरान खान के हाथिर किया अगर यह सब कुछ इमरान खान की हाथिर किया तो जो इमरान खान की हाथिर यह सब कुछ करने वाले थे क्या वो काबले माफी होंगे या क्या वो जुर्म में शरीक जुर्म नहीं होंगे और उसके बाद इमरान खान को जब इकतदार से हटा दिया गया इमरान खान ने भी इसकी तैयारी कर रखी है और बड़ा मुफसल जवाब इसमें आएगा इमरान खान ने इसकी तैयारी ये कर रखी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुतबादल अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कहा जाएगा कि जनाब सैंतीस इलेक्शन हुए इमरान खान के इकतदार में निकालने के बाद उन सैंतीस इलेक्शन में से तीस इलेक्शन इमरान खान जीता उनतीस इलेक्शन इमरान खान जीता और बाकी इलेक्शन जो है वो पी डी एम जीती तीन आजाद हैं इसमें यानी इमरान खान बग़ैर किसी पावर के बग़ैर किसी सहूलतकारी के बग़ैर किसी वजह के अलेक्शन जीत गया जिसके बाद इमरान का बयानिया ये जो है वो काबिल कबूल होगा कि जो कहते थे इमरान को लाए अगर इमरान उन लाए हुओं को बग़ैर भी इलेक्शन जीत रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की सियासत में इमरान का मकाम इन तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा है अब बात करते हैं दो ऐसी खबरों के मुतलक जिनके हवाले से आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है एक तो आपको मैं बड़ी खबर दे दूं कि गुजरात में इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है इमरान खान का काफिला जिस वक़्त गुजरात पहुंचेगा तो इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है मोनस लाई मुसलसल कई रोज से गुजरात में, हैं में है भरपूर मेहनत कर रहे हैं मेरे पास इतला यह है कि गुजरात में इमरान खान जब पहुंचेगा तो एक बड़ा सरप्राइज होगा और ऐसा सरप्राइज होगा कि जिसके बाद हकूमती ईवानों के अंदर एक सा तारी हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं ये बड़ी खबर तस्दीक शुदा खबर है खबर यह है इक्कीस एम एल ए और बारह एम पी ए ऐसे हैं जिन्होंने हकूमत को छोड़ने का फैसला कर लिया है परवेश खटक असद उमर और पी टी आई की एक और अहम शख्सियत यानी असद कैसर इन तीनों के साथ इन अफराद की एक नशस्त हो चुकी है और इस नशिस्त में इन लोगों ने कहे कि आपके इशारे का इंतजार है आप जिस दिन इशारा करेंगे हम अपनी सियासी जमातों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस्तीफे दे, दे देंगे और जो आप कहेंगे हम आपके साथ गैर मशरूत तौर पर चलेंगे कप्तान आठ पत्ते लेकर लॉन्ग मार्च के लिए निकला है कप्तान ने सिर्फ एक पत्ता शो किया है जो लॉन्ग मार्च का है सात पत्ते कप्तान के हाथ में है जिसमें यह इस्तीफों वाला कुछ लोगों के पत्ते भी हैं। कप्तान के पास एक पत्ता ऐसा है जो हकूमती एक सरकारी किसी वक्त भी कोई बड़ा इंकशाफ कर सकता है कप्तान के पास छह और इसके अलावा ऐसे पत्ते हैं जिससे कप्तान के साथी भी ला इलम है और कप्तान किसी वक्त भी बड़ा छक्का लगा सकता है कप्तान लॉन्ग मार्च से हकूमत एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर परेशान नहीं तो फिर पूरा इस्लामाबाद फिर, फिर वजीर आजम और वजरा ने आज किसानों के लिए कितने बड़े पैकेज का ऐलान क्यों किया इसलिए कि किसी वक्त भी हकूमत खत्म हो सकती है और फिर इन्हें जाना पड़ेगा बड़ी बहुत बड़ी ख़बर दे दूँ जमेरात के रोज़ दोबारा से निगरान वजीर अजम के हवाले से जिन चार नामों को फाइनल किया गया है जिनमें से दो फेवरेट तरीन हैं उन चारों अफरा की दोबारा किसी जगह इंटरव्यूज़ के लिए या दोबारा उनको बुलाया गया है और मेरी इतला ये है कि जहाँ उन्हें बुलाया गया है सारे फ़ैसले भी वहीं होने हैं और इमरान ख़ान के इस्लामाबाद पहुँचने से पहले एक बड़ा अहम फैसला हो चुका होगा जिसके बाद हो सकता है इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को वहीं पर ख़त्म कर दे जहां पर उसे फैसले की इतला मिले इन शबरें आने वाले दिनों में देंगे इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज।